दोस्तों, आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं CSS के ऊपर। मैंने ऑलरेडी HTML के ऊपर सीरीज बना रखी है। आपने नहीं देखी है तो प्लीज उसे देखिए, उसे देखना जरूरी है। इस CSS के लिए HTML का रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, आपको इस सीरीज में काफी मजा आने वाला है। हम इस सीरीज में बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम चैप्टर वन, इसमें हम इंट्रोडक्शन और कोर्स ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि CSS होता क्या है। तो CSS इज नथिंग बट आपका कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती है। अब ये करता क्या है, ये जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, HTML एलिमेंट्स, जैसे आपका पैराग्राफ है या फिर कोई डिव एलिमेंट है या फिर और भी, जैसे टेबल है या बटन है या इमेजेस है, जो भी कुछ है, उनका जो भी टेक्स्ट फॉन्ट्स है, उनकी साइज है, उनका टाइपोग्राफी है, वो ब्राउजर पे एकदम अच्छे से दिखना चाहिए। उसके लिए ये CSS का यूज होता है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि आप एक पेज को यदि देखते हैं तो CSS में वो पेज आपको कैसे दिखता है और विदाउट CSS आपको कैसे दिखता है। तो चलिए देखते हैं कि ये Amazon का आपको पेज यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जैसे इसमें Amazon के पेज में काफी सारा CSS लगा हुआ है, इसलिए आपको ये इतना बढ़िया दिख रहा है। अब जैसे मैं इसी पेज को मैं विदाउट CSS देखूंगा तो कैसे देखूंगा। यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ नो स्टाइल। तो देखिए, आपको यहाँ पर ये पेज कितना बेकार सा दिख रहा है और मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है ये पेज। तो ये देखिए कि CSS का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वेब डेवलपमेंट में। जब भी हम वेब डेवलपमेंट सीखते हैं तो उसमें आपको तीन चीजें आती है, एक आता है HTML, दूसरा आता है CSS और आता है JavaScript। तो CSS का रोल यही होता है कि ब्राउजर के ऊपर आपको जो भी आपको कंटेंट है HTML का, वो कंटेंट अच्छे से दिखना चाहिए, वही उसका काम होता है। तो अब आप सवाल पूछेंगे कि हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम HTML एंड JavaScript। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि अब यहाँ पे जैसे आपको ये CSS नहीं है तो सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, HTML और JavaScript ही दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे ये देखिए कितना भद्दा सा दिख रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी, अब ये जो भी आपको दिख रहा है, ये हेडिंग दिख रही है, किससे लिखी गई है, ये HTML से, लेकिन इसमें CSS ना होने की वजह से इस तरीके से दिख रहा है। तो CSS का होना बहुत जरूरी होता है वेब डेवलपमेंट में, अदरवाइज आपका जो भी लुक एंड फील है वो बहुत ही बेकार आता है। तो जितनी भी आपकी स्क्रीन्स है, मतलब क्यों सीखना चाहिए हमें CSS, बिकॉज लुक एंड फील जो है पेज का बेटर बनाना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है। अब रिस्पॉन्सिव मतलब क्या, कि जैसे मैं इसी पेज को मोबाइल पे देख रहा हूँ या टैब पे देख रहा हूँ या लैपटॉप पे देख रहा हूँ, तो अलग अलग स्क्रीन साइजेस होती हैं और उन स्क्रीन साइजेस के हिसाब से उसको पूरा अपना कंटेंट जो एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये CSS का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इस सीरीज में मैं पूरा सब कुछ कवर करूंगा, बेसिक से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो चलिए इसे हम समझते हैं, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आप सबसे पहले देखेंगे साइजिंग के बारे में। अब ये साइजिंग में क्या क्या होगा कि आप विड्थ सेट कर सकते हैं, मिनिमम विड्थ, मैक्स विड्थ, हाइट, मिन हाइट, मैक्स हाइट। उसके बाद जो है आप देखेंगे स्पेसिंग के बारे में कि किस तरीके से आप स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं और कंपोनेंट्स के बीच में सेट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे लेआउट, लेआउट में हम डिस्प्ले देखेंगे, फ्लोट्स, बॉक्स साइजिंग, पोजिशनिंग, ओवरफ्लो, जेड इंडेक्स और ऑब्जेक्ट। ये सब मतलब आपको क्या बताता है कि किस तरीके से आप अपना ऑब्जेक्ट लेआउट में डाल सकते हैं। तो सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस सीरीज में। उसके बाद देखेंगे फ्लेक्स एंड ग्रिड। फ्लेक्स ग्रिड में हम बेसिक फ्लेक्स से लेकर पूरा ग्रिड तक देखेंगे कि किस तरीके से हम कंटेंट इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं और प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम देखेंगे बॉर्डर्स की, बॉर्डर्स में कैसे हम रेडियस बड़ा घटा सकते हैं, उसकी विड्थ सेट कर सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं, स्टाइल सेट कर सकते हैं, स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं, इमेज से लेकर ओरिजिन, कलर, क्लिप, अटैचमेंट, सारा कुछ हम देखेंगे। तो दोस्तों, आपको एक सिंगल CSS के सीरीज में यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना टाइम और स्पेस यहाँ पर देना है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों टाइपोग्राफी, जिसमें कि हम फैमिली जो है कौन सी यूज करते हैं टाइपोग्राफी में, साइज, कलर, स्टाइल, लेटर स्पेसिंग,
वेट वगैरह सारा कुछ देखने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, एडवांस लेवल पे हम फिल्टर्स के बारे में देखेंगे, कॉन्ट्रास्ट, ड्रॉप शेडो और ह्यू रोटेशन वगैरह सारा कुछ देखने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको काफी मजा आने वाला है, काफी आपको इंटरेस्टिंग लगने वाली है सीरीज। तो मैं यही चाहूंगा कि आप इस सीरीज को पूरा स्टार्ट से शुरू करें और आखिरी तक देखें। इसमें हम लोग बाद में देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, किस तरीके से हम एलिमेंट्स को स्केल, रोटेट और ट्रांसलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिशंस, ट्रांजिशंस में हम देखेंगे प्रॉपर्टी, टाइमिंग, उसका डिले, एनिमेशंस वगैरह सारा कुछ देखने वाले हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पे बहुत ही मजा आने वाला है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सीरीज को आप अच्छे से देखिए। मैं तो एक्साइटेड हूँ आपको इस सीरीज को आगे ले जाने के लिए। क्या आप भी उतने एक्साइटेड है? तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पर हम शुरू करेंगे अपना पहला साइजिंग के बारे में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए और शेयर करिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।